आज आप लोगों ने प्रोग्राम रखा है काशीराम जी के जन्म दिवस पे, तो आप बताएंगे आप लोगों ने आज क्या संकल्प लिया है काशीराम जी के जन्म दिवस पे? देखिए, संकल्प तो हमने जन्म लेते ही ले लिया था कि बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनाना है, लेकिन मनवादी ताकतों द्वारा हमारे लोगों को गुमराह किया जाता है और हमें सत्ता में आने से रोक दिया जाता है। बहुजन समाज में जन्म तमाम हमारे महापुरुषों को नमन है सबसे पहले, और आज देश के अंदर चंद्रशेखर साहब के रूप में एक ऐसा लीडर मिला है जो बहुजनों का नेतृत्व कर रहा है। कहीं भी जुल्म जाति अत्याचार बहुजन की बेटी पर होता है, भाई पर होता है, तो चंद्रशेखर साहब और भीम आर्मी जात समाज पार्टी की टीम वहाँ पर पहुँच कर उनको न्याय दिलाने का काम करती है। और आज बता दूँ, देश में दिल्ली में केजरीवाल की सरकार हो, देश में भाजपा की किसी भी अन्य सरकार हो, अगर किसी बहुजन समाज के मुस्लिम समाज की बहन बेटियों पर अत्याचार होता तो कोई भी आकर रोड पर आंदोलन नहीं करता, श्री भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी करती है। आज उसका स्थापना दिवस है और साथ काशीराम जी का आज जन्म दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाने के लिए आए हैं। और इस चैनल के माध्यम से बहन जी बता देना चाहता हूँ, अब देश में बहुजन का शासन होगा। देखिए, लड़ेंगे और जीतेंगे, जब दो शेर लड़ते हैं ना या दो पहलवान लड़ते हैं अखाड़े के अंदर, तो एक को तो हारना पड़ता है, फिर वो पहलवान दोबारा खड़ा होता है, दोबारा तैयारी करता है और निश्चित अपनी जीत हासिल करता है। तो उसी तरीके से हम लड़ेंगे और जीतेंगे, चाहे हमें कितनी बार हारना पड़े, जितनी बार गिरेंगे उतनी बार खड़े होकर चलना सीखेंगे और बहुजन समाज को सत्ता में लाके दम लेंगे। आजाद समाज पार्टी काशीराम का आज स्थापना दिवस है। इस अवसर पर और माननीय साहब श्री काशीराम जी की आज जयंती है जी। वो बहुजन नायक है, उन्होंने शोषितों पीड़ितों को राजनीतिक शक्ति का एहसास कराया और बिखरे हुए समाज को इकट्ठा किया। आज उन्हीं के आंदोलन को, सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं जी। तो इस अवसर पर सभी देशवासियों को, दुनिया में उनके रहने वाले फॉलोअर्स को हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। और मैं समझता हूँ कि हमने प्रयास किया था कि हम पहला चुनाव जीते जी, लेकिन क्योंकि समय, परिस्थिति और जिस तरह का धनतंत्र का चुनाव है कि पैसे वाले लोग ही राजनीति में सफल हो पा रहे हैं, पैसे आधारित चुनाव हो गया, पैसों पर वोट खरीदी जाती है, मीडिया के जरिए जो है काम करने वाले प्रत्याशी को इग्नोर करके और जिस प्रत्याशी का कोई वजूद भी नहीं होता उसको प्रचारित किया जाता है, तमाम तरह की सरकारी मशीनरी का षड्यंत्र करके वोट को, आम जनता को लाभ दे के वोट को खरीदने का प्रयास किया था। इन सब चीज़ों के जरिए बीजेपी ने अपनी वोटों को जो है इस बार रिजल्ट में परिवर्तित किया। हमारा प्रयास रहेगा, जिस तरह से देखेंगे कि हमारे वोट बिखर गए हैं, वो एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं किसी भी तरह। आप यूपी के इलेक्शन में ही देख लें, आप 85% से ज़्यादा वोट बिखरे पड़े हैं जो एकत्रित नहीं हुए। मायावती जी को भी वोट नहीं मिला, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं, मेरा प्रयास तो ये है कि मैं इनको इकट्ठा कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये उसी सिद्धांत से इकट्ठा हो सकता है, जिसकी इतनी संख्या भारी तो उसकी इतनी हिस्सेदारी। और ये नारा अगर हम लोग सफल कर पाएँ कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तभी ये आंदोलन सफल हो पाएगा। मेरा प्रयास है कि टुकड़ों में बटे बहुजन समाज, जिसको माननीय काशीराम साहब ने किया और उनके बाद के नेताओं ने उसको दोबारा से बिखेर दिया, इसलिए अब हम आगे चल के एमसीडी इलेक्शंस में एकजुट करने का प्रयास करें। एमसीडी इलेक्शंस के लिए आपकी क्या? हम लोग लड़ रहे हैं एमसीडी इलेक्शन, और एमसीडी इलेक्शन दिल्ली की टीम ने बहुत मेहनत की है, यहाँ के लोकल इश्यूज हैं उन पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और मैं भी एक कार्यकर्ता की तरह उनके चुनाव में यहाँ शामिल रहूंगा, और मुझे विश्वास है इस बार एमसीडी में हम लोग अच्छा करेंगे जी। जितने भी मुद्दे आते हैं हम देखते हैं, जैसे अभी यूक्रेन का भी स्टूडेंट को लाने के लिए आपके दल ने प्रदर्शन किया था, और जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें आप आगे रहते हैं, तो क्या आपका जनाधार भरा है दिल्ली में? हाँ, बड़ा है, पहले से ज़्यादा अच्छी तरह से काम हुआ है, संगठन बन रहे हैं, वार्ड की, सेक्टर की बूथ की कमेटियाँ बन रही है, और मुझे उम्मीद है कि जब चुनाव आएगा तब तक हम लोग अच्छा काम जो है ना ज़मीनी लेवल पर कर चुके होंगे। और अब इस बार हम प्रयास करेंगे कि चुनाव के ये जो वोट है ये रिजल्ट में भी कन्वर्ट हो, हम लोग जीतने के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद।